हाय एवरीवन, कल के लेक्चर में हम लोगों ने डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले पढ़े थे। हम आराम से सारे फॉर्मूले कल याद करने का तरीका सीख रहे थे, है ना। मैंने आपको बोला कि चाहे फैक्टराइजेशन फॉर्मूला हो चाहे डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला हो, याद करने के लिए दोनों के लिए जो ट्रिक लगता है ना, दोनों के लिए जो ट्रिक है वो सेम रहेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो भी आप ट्रिक जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कल सारे डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूले जो बताए थे उनके बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस और करके देखते हैं अपन, है ना। चलिए, तो राइट डाउन दिस क्वेश्चन। एक ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। लिखिए ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चन लिखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा माइनस टू कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये जो एक्सप्रेशन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि आज का लेक्चर वो अटेंड नहीं कर पाए। बेटा म्यूट कर लो अपने आप को। ओके, देखो यहां पर बोला है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अभी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी थीटा डाल लो, कोई भी थीटा का वैल्यू डाल लो, आंसर आपका हर बार सेम आएगा। इसका मतलब ये होता है, मतलब थीटा के वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ता है कि आंसर क्या आएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन समझ में आया कि ये एक्सप्रेशन जो है इसमें फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप थीटा कुछ भी डाल लो आंसर क्या आएगा। तो इसको करने के दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका है स्टेटमेंट इज ट्रू। यशस्वी, क्या एक्सप्लेनेशन क्या है? Why is it true? सब पहले मैंने जब देखा था तो मुझे लगा कि a plus b whole square वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, लेकिन अभी वैसा नहीं लग रहा है। हाँ, a plus b वाली नहीं लगेगी। देखो एक तरीका मैं बताता हूँ, पहला मेथड है इसमें जुगाड़। ठीक है, आप सब जो है जेई का एग्जाम देने वाले हो तो आपको जुगाड़ आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेई के सारे क्वेश्चन जुगाड़ से हो जाते हैं, बट जेई के कम से कम 5-10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जुगाड़ से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जुगाड़ से डेफिनेटली सॉल्व हो जाते हैं। तो लेट अस सी कौन से ऐसे क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि थीटा की जगह कुछ भी वैल्यू डाल दो। अब बोल रहा है अगर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है मतलब थीटा कुछ भी डाल दो हर बार आंसर सेम आ रहा होगा, है ना। यही तो इसका मतलब है भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा अगर ये वाकई में है इसका मतलब आप थीटा कुछ भी डाल दो आंसर बार 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 एक ही आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोल देते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में इसको आप बोलोगे जुगाड़। हिट एंड ट्रायल में क्या होता है कि थीटा के कुछ खूबसूरत वैल्यू आप डालो। अब थीटा की खूबसूरत वैल्यू उसका मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री, आ रहा समझ में, या फिर लेट अस से मे बी इवन 45 डिग्री, आई डोंट नो, 45 डिग्री भी आप पुट करके देख सकते हो। हर बार आंसर अगर सेम आता है तो आप बोल देना यस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आप थीटा कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, बार बार आपका आंसर एक ही आ रहा है तो मतलब थीटा की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो हम लोग जीरो डाल के देखते हैं। चलिए कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। कॉस जीरो वन, कॉस ऑफ जीरो प्लस अल्फा इज कॉस स्क्वायर अल्फा,
समझ में आ रहा है? अरे जीरो प्लस अल्फा हो जाएगा ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। माइनस यहाँ पे कॉस जीरो डालो, कॉस जीरो वन होता है ना, तो ये चीज गायब हो जाएगी, तो टू टाइम्स कॉस अल्फा बचेगा। सो लेट अस राइट टू टाइम्स कॉस अल्फा। अच्छा यहां पर आप डालिए थीटा की जगह फिर से जीरो, तो कॉस अल्फा फिर से आएगा, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा टू कॉस स्क्वायर अल्फा जाए। ठीक है, तो क्या बन रहा है हमारे पास, एक्सप्रेशन बन रहा है वन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए जब अपन ने जीरो डाला तो आपको एक्सप्रेशन का आंसर क्या मिला, साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा एक काम करते हैं 90 डिग्री डाल के देखते, अगर अपने को सेम आंसर मिला तो हम लोग समझ जाएंगे कि कुछ भी डाल दो आंसर सेम आएगा। चलिए 90 डिग्री डाल के देखते, कॉस 90 कितना होता है जीरो, ये था थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। अब हम देखते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर, थीटा 90 डिग्री डालकर देख लो आप, हमें कॉस 90 हो जाएगा जीरो, कॉस ऑफ 90 प्लस अल्फा, कॉस 90 प्लस अल्फा क्या होता है साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। और यहां पर डाल दो थीटा की जगह 90 है ना, तो कॉस 90 होता है जीरो, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाइड है जीरो से। तो आप क्या लिखेंगे इधर कि ये तो जीरो हो गया, तो आपका यहां से भी आंसर साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है। मतलब आप थीटा का वैल्यू जीरो डालो तो भी साइन स्क्वायर अल्फा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री डालो तो भी साइन स्क्वायर अल्फा, और थीटा का वैल्यू अगर आप 45 डिग्री डालकर देखोगे तो भी आपका आंसर साइन स्क्वायर अल्फा ही आएगा। ये आप चेक कर लेना खुद से, डू इट योरसेल्फ। ओके, मतलब थीटा का वैल्यू कुछ भी डाल दो आंसर हमेशा साइन स्क्वायर अल्फा ही आएगा। ये थर्ड वाला जो है वो आप खुद से एक बार करके देख लेना। ठीक है, आप चाहो तो कोई अच्छा वैल्यू डाल दो थीटा का, जैसे कि 60 डिग्री 30 डिग्री सब डाल के देख लो, सबसे आंसर साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। तो ये जुगाड़ होता है, ये प्रॉपर मेथड नहीं है लेकिन ये जुगाड़ है। आपका आंसर तो आ रहा है ना इससे, आपका आंसर तो बिल्कुल आ रहा है इससे, तो दिस इज जुगाड़। ठीक है, जो बच्चे लेट आए उनको मैं समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। यहाँ पे बोला है कि ये एक्सप्रेशन जो है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि आप थीटा का कुछ भी वैल्यू डाल के देखो, 0, 90, 45, हर बार आंसर सेम आएगा, वो अपन ने करके देख लिया। तो आप थीटा का वैल्यू कुछ भी डालो आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब इट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो अपन क्या बोल देंगे कि बार बार आपका आंसर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा। अभी देखो साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पे मेरे को नहीं पता क्या है, कॉन्स्टेंट है अल्फा। ठीक है, अल्फा एक कॉन्स्टेंट है, तो आपका आंसर जो भी है अल्फा जो भी, आई डोंट केयर एक्चुअली, बट आंसर वही आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। दूसरा तरीका होगा प्रॉपर मैथमेटिकल अप्रोच, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रॉपर मैथमेटिकल अप्रोच, मतलब मेथड टू देखते हैं अपन। मेथड टू में क्या बोला हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा माइनस टू कॉस थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे कॉस अल्फा भी आएगा ना, टू कॉस थीटा कॉस अल्फा और कॉस थीटा प्लस अल्फा। देखो आपको ये वाला फॉर्मूला पता है क्या, टू कॉस ए कॉस बी क्या होता है बच्चों, क्या आपको, ये रफ में लिख रहा हूं मैं ना, दिस इज रफ कॉलम, डू यू नो दैट व्हाट इज टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी मैंने आपको कल ही बताया था, याद करो थोड़ा सा याद करो, टू कॉस ए कॉस बी, अगर किसी को याद है तो मैं बता देता हूँ, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। किसी को याद नहीं है तो आप ऐसे सोच लिया करो, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस वाला थर्ड वाला फॉर्मूला है, थर्ड वाले फॉर्मूले में क्या होता था, कॉस माइनस कॉस होता था ना इधर एलएचएस में, समझ में आ रहा है आपको, तो कॉस माइनस कॉस होता था वही लिखा है, देखो कॉस माइनस कॉस, अंदर की बात तो सबको पता है, अंदर की बात क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा तो ये वाली चीज जो है टू कॉस ए कॉस बी यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा माइनस टू कॉस ए कॉस बी को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, मतलब थीटा माइनस अल्फा इंटू आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा। यहां तक चमक रहा है, देखिए अगर आपको यहां तक चमक गया है तो आगे भी चमक जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा सॉरी इनटू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। चलो यहां तक अपन कुछ ना कुछ तो लिख पाए हैं, आगे देखते हैं क्या करना रहेगा। जस्ट अ मिनट यार, है ना, ये अटक गया है, एक मिनट रुको। Thank God. हाँ भाई, तो मैं क्या कर रहा था, ये यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा, कुछ इरेज हुआ है, कुछ मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद यहाँ पे cos of theta plus alpha आएगा। हाँ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा cos square theta plus cos of theta plus alpha cos of theta minus alpha। अच्छा यहाँ पे एक ब्रैकेट है माइनस माइनस प्लस, हाँ ब्रैकेट मैंने खोल दिया है ना, गुड, तो आ जाएगा cos of theta plus alpha cos of theta minus alpha। अच्छा तो cos of a plus b, अब एक और फॉर्मूला अपने को याद आता है यहां से कि cos of a plus b into cos of a minus b क्या होता था, ये जब cos से स्टार्ट होता है फॉर्मूला तो यहां पर cos square a आता है और इधर आएगा sin square b, बाद में हमेशा साइन आता था, ठीक है, सही याद है ना भाई सबको, हाँ cos square theta plus, इसको अपन क्या लिख देंगे cos square a minus sin square b। अच्छा यहाँ पर एक्चुअली ना समथिंग इज रॉन्ग देयर, cos c plus cos t, अरे यार यहाँ प्लस का साइन आता है, cos c plus cos t, cos c plus cos t, cos c plus cos t, तो यहाँ पर एक्चुअल में माइनस साइन आएगा, ठीक है, तो cos square theta माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा। तो जो भी इसका आंसर आ रहा है उसमें थीटा का टर्म है क्या, नहीं थीटा का टर्म है ही नहीं, है ना, इट हैज नो टर्म ऑफ थीटा, नो टर्म ऑफ थीटा, देयरफॉर द फाइनल एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। यहां तक लिखो अपन फिर आगे बढ़ते,
अगला क्वेश्चन लिखिए। cos of 55 degree plus cos of 65 degree plus cos of 175 degree। इसका वैल्यू आप फाइंड करो, इवैल्यूएट। ठीक है, आप लोग ट्राई करना चाहोगे? देखो, कभी भी अपने को तीन कॉस या तीन साइन ऐसा कुछ दिया जाए ना, तो होता क्या है कि पेयर वाइज आपको सॉल्व करना चाहिए। ट्राई करो पेयर वाइज सॉल्व करके। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 55 डिग्री और 65 डिग्री, इन दोनों का ना एडिशन एक बार मेंटली करके देखो। इफ यू वुड एड देम मेंटली तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है। हाँ, 120 डिग्री आ रहा है, गुड। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो आप ऐसा कर सकते हो, कि इसमें cos c plus cos d लगा दो, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें cos c plus cos d लगा दो, है ना? बिल्कुल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें बताइए? चलो इसमें cos c plus cos d लगा कर देखते हैं क्या आता है। क्या आपको cos c plus cos d का फॉर्मूला याद है? cos c plus cos d क्या होता था? थर्ड फॉर्मूला होता था ना, साइन cos, cos साइन, cos cos। क्या बात है, cos और cos, ये हो गया अपने सामने फॉर्मूला तैयार। अपने को अंदर पता है क्या होता था, c plus d by 2 और c minus d by 2। ठीक है, तो cos of c plus d by 2, तो 55 degree plus 65 degree by 2, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा बेटा, 60 degree, मतलब 55 degree, चलो मैं पूरा पूरा लिख देता हूँ, 55 degree plus 65 degree by 2, और cos of 55 degree minus 65 degree by 2, और 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये अभी इन दोनों का मैंने एडिशन किया है। cos 175 डिग्री को अपन साइड में रखते हैं, ठीक है, ओके। अब बताइए ये क्या आ जाएगा, cos ऑफ 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है, बाय हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, 2 cos 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 55 डिग्री माइनस 65 डिग्री कितना आ जाएगा, -10, -10 बाई 2 कितना आ जाएगा, -5 डिग्री। ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस ऑफ 175 डिग्री। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा, कॉस 60 का वैल्यू तो अपने को याद है, तो क्यों ना हम इसको पुट कर दे हाफ। और कॉस ऑफ माइनस थीटा, यहाँ देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos minus theta is nothing but cos theta itself। ठीक है, cos minus theta cos theta के बराबर होता है, मतलब cos के अंदर अगर आप negative angle डालोगे तो अपने आप वो negative sign को खा जाता है। मैंने आपको ये कल सिखाया था, कल नहीं, मैंने आपको बहुत पहले सिखाया था, phase 1 में सिखाया था। cos of minus 5 degree is cos of 5 degree, ठीक है, plus cos of 175 degree। अच्छा, ये half और half कट जाएगा, तो cos 5 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री। बताइए इसका, इस पर्टिकुलर चीज का आंसर क्या आएगा, cos 5 डिग्री, ये 175 डिग्री को आप ऐसा लिख दो ना, 180 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 5 डिग्री, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 का रिडक्शन है, तो cos रहेगा, थीटा तो थीटा ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, cos 5 डिग्री माइनस cos 5 डिग्री, आंसर जीरो आ जाएगा। लिखिए यहां तक पहले,
यहाँ तो कॉपी डाउन करके रखिए जल्दी से। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ डबल एंगल फॉर्मूले। डबल एंगल फॉर्मूले क्या होते हैं? जैसे कि आपको साइन के अंदर अभी तक क्या मिला है, ए प्लस बी, राइट। जब अपन फेज वन में थे, ट्रिग्नोमेट्री फेज वन में, तो साइन के अंदर अपने को सिर्फ ए मिल रहा था, है ना। और अपन ट्रिग्नोमेट्री फेज टू में आए, कंपाउंड एंगल में आए, तो अपने को ए प्लस बी जैसे कंपाउंड एंगल्स मिले। अब आपको है ना थोड़े से और अलग तरह के एंगल मिलेंगे, जैसे कि टू टाइम्स ए, साइन ऑफ टू टाइम्स ए, कॉस ऑफ टू टाइम्स ए, इस तरह के कुछ एंगल्स आपको अब मिलेंगे, है ना। तो देखते हैं कुछ करके अपन इसका क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा। साइन टू थीटा जो होता है, इसको हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। अगर आपको लग रहा है कि आपको डेरिवेशन चाहिए, मैं डेरिवेशन आपको दे सकता हूँ। देखो डेरिवेशन में मैं कभी भी इंटरेस्ट नहीं शो करता हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही ईजी डेरिवेशन है। क्या आपको साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है? सबको याद है पक्का? अच्छा, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता था? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता था ना। अरे यही होता था ना। अब ए और बी को, दोनों को थीटा डाल दो यार। ए और बी दोनों की जगह अगर आप थीटा डाल दोगे यार, ए और बी की जगह आप कोई भी एंगल डाल सकते हो, नॉट जस्ट थीटा। आप थीटा डाल दो और फिर फाई डाल दो, अल्फा डाल दो, बीटा डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने दोनों को अगर थीटा डाल दिया, तब जाके टू थीटा यहाँ पे क्रिएट होगा, इसीलिए मैं दोनों को थीटा डाल रहा हूं। तो यहां पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, दो बार। तो दो बार साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, टू टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन ऑफ टू थीटा के बराबर। ठीक है, मैं अभी से बता रहा हूं आपको, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, प्रूफ इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू। अगर आपको प्रूफ करना ही है तो मैं आपको तरीके बता दूंगा प्रूफ करने के, आप खाली टाइम पे खुद से कर सकते हो। तो आज अपन ने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा कि साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का, कॉस ऑफ टू थीटा। कॉस ऑफ टू थीटा का फॉर्मूला होता है, आप एक्सपेंड करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सारे फॉर्मूले अभी एक ही लिखवाया मैंने आपको। इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसको आप ये भी बोल सकते हो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, या इसको आप ये भी बोल सकते हो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखो बेटा ये तो फॉर्मूले, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, है ना। तो मैंने आपको पहले बताया था ट्रिग्नोमेट्री पूरे चैप्टर में फॉर्मूले ही फॉर्मूले है ऊपर से नीचे तक।
अच्छा पहली बात तो ये पहला वाला फॉर्मूला कैसे आया, इसका प्रूफ देख लेते हैं अपने ना। यार प्रूफ ना मेरे को बिल्कुल बताने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी चलो बता देता हूँ मैं आपको ना हिंट देता हूँ फॉर प्रूफ। क्या करें आप, आपको बेटा ये फॉर्मूला याद है, कॉस ऑफ ए प्लस बी का याद है ना, क्या होता था, कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे आप क्या करो, ए और बी को दोनों को रख दो थीटा, तो क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों को थीटा रखने से यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन ए साइन बी, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा ये हो गई पहली बात, ये पहला प्रूफ आ गया अपना, ये वाला फॉर्मूला आ गया। लेकिन ये दूसरा वाला फॉर्मूला कैसे आएगा, ये वाला कैसे आएगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा, आप ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, देख लो इधर एक बार अच्छे से बच्चों, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको फर्दर क्या लिख सकते हो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या लिखा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाले साइन स्क्वायर थीटा को आप, अच्छा ये आ गया फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अभी तीसरा वाला फॉर्मूला कैसे लाएंगे अपन, तीसरा वाला फॉर्मूला लाएंगे, ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है ना इसको लिख दो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सोचो ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज लिखा मैंने, माइनस ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर माइनस वन, हो गया आ रहा है ना आपका आंसर। अरे भाई टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन आंसर आ चुका है ना, यही तो चाहिए था। अब यार ये फॉर्मूले है ना एकदम आपको रटे होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि साइन टू थीटा क्या होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे टू साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस टू थीटा क्या होता है, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे सबकी नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए, कॉस टू थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट इज ऑल्सो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, इट इज ऑल्सो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूले एकदम आपको रटे होने चाहिए, रटे। जनरली क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूले रटने का भी ट्रिक देता हूँ, बट यहाँ पे ट्रिक विक की जरूरत नहीं है, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। ट्रिक अपन तब लेते हैं जब अपने को रटने की जरूरत नहीं हो, बिना रटे अपना काम हो जाए, यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर आपको रटना ही चाहिए। ठीक है, एकदम याद कर लो। ओके ये दो फॉर्मूले लिख रहे सबने, पक्का यहां तक लिख लो पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। ठीक है, देखिए एक छोटी सी टिप दे रहा हूं मैं, टिप। अब वो टिप क्या है, वो टिप ये है कि वन एंड कॉस ऑफ टू थीटा, हैव अ लव स्टोरी। ठीक है, वन और कॉस टू थीटा की ना एक लव स्टोरी होती है। ठीक है, अब वो लव स्टोरी क्या होती है अपन देखते हैं। अच्छा यहाँ पे तीर वीर लगा देता हूँ मैं, तो आपको फील आएगा प्रॉपर लव स्टोरी वाला, आजकल के बच्चों को फील नहीं आता वरना। हाँ भाई खुश। अच्छा वन और कॉस टू थीटा की ना एक लव स्टोरी होती है कि वन के साथ अगर कॉस टू थीटा एडेड है या सब्ट्रैक्टेड है, मेरी बात ध्यान से सुनना, वन के साथ अगर कॉस टू थीटा एडेड है
या वन के साथ कॉस टू थीटा सब्ट्रैक्टेड है तो इसका ना कुछ मतलब होता है। अब इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूं। अरे लिखते जाओ मेरे साथ साथ, एटलीस्ट लिख तो सकते हो ना। हाँ लिखते जाइए मेरे साथ साथ। देखो वन प्लस कॉस टू थीटा को आप क्या लिख सकते हो पता है? जब भी आपको वन के साथ कॉस टू थीटा नजर आए एडेड या सब्ट्रैक्टेड तो आप क्या बोलना, इनकी बीच में तो लव स्टोरी होती है। अब इनकी लव स्टोरी क्या होती है, ये जो कॉस टू थीटा है ना इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है साइन के टर्म्स में, एक होता है कॉस के टर्म्स में, और एक होता है दोनों कॉस और साइन के टर्म्स में। ठीक है, इसमें से हमको है ना ये दोनों फॉर्मूले यूज करने। बेटा इधर देखो, एक फॉर्मूले में ना माइनस वन होता है और एक फॉर्मूले में देखो प्लस वन होता है। तो इतना अपने को समझ में आ रहा है कि एक फॉर्मूले में प्लस वन होता है और एक फॉर्मूले में माइनस वन होता है। अच्छा तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन वाला फॉर्मूला जो है ना इसको अपन यहां यूज करेंगे ताकि ये वाला वन और यहां पर एक माइनस वन जो आएगा ना वो कैंसिल हो जाए। इस तरह से वन प्लस कॉस टू थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस टू थीटा को आप लिख सकते हो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, अच्छा ये जो वन है और ये जो माइनस वन है ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा टू टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा समझ आ रहा है, इसको आप डायरेक्टली टू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। चलिए आई होप आपने यहां तक लिखा होगा, मैं आपको है ना इन फॉर्मूले का कुछ मीनिंग है वो भी बताना चाह रहा हूँ। अच्छा सबकी स्क्रीन पे ध्यान ध्यान होना चाहिए, स्क्रीन पे आपकी नजर होनी चाहिए। होता क्या है ना, यहाँ पे लिखा टू टू थीटा, यहाँ पर क्या लिखा है टू थीटा, और यहाँ पर क्या लिखा सिर्फ थीटा। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर किसी एंगल का डबल है तो उस एंगल का हाफ हाफ यहाँ पे आ जाएगा। फील करो इस चीज को, अगर ये मान लीजिए 90 डिग्री है तो ये दोनों 45 45 हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? अगर ये मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये दोनों 30 30 हो जाएंगे। मतलब बाहर में जो एंगल होता है उसका हाफ हाफ अंदर है। इधर भी सेम, चाहे ये वाला फॉर्मूला हो, यहां पर भी दिख रहा है आपको ये वाला एंगल जो है ना कॉस टू थीटा इसका हाफ होता है। अच्छा सेम हैपेंस विद साइन टू थीटा, साइन टू थीटा के साथ भी सेम होता है। देखो यहाँ पे टू थीटा है और फॉर्मूले में क्या रहा, साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब ये जो टू थीटा है इसका आधा और इसका आधा ये आता है इधर। ठीक है, समझना इस चीज को, इसको अपन डबल एंगल बोलते हैं। डबल एंगल जो है वो हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा फील करना चाहिए अपने को, वही मैं फील करा रहा था। कमिंग बैक टू द लव स्टोरी, अब यहाँ पे देखिए ये वाली लव स्टोरी में हम क्या करेंगे ना वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे होगा क्या, ये वाला वन और ये वाला वन कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या यहाँ पे मैं टू साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं? क्या सीखा अपन ने यहां से, हमने ये सीखा कि वन प्लस कॉस टू थीटा जो होता है वो टू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बट डोंट रिमेम्बर इट, डोंट रिमेम्बर इट, आप बस इतना याद रखो कि इनकी लव स्टोरी होती है। जब भी आपको वन और कॉस टू थीटा दिखाई दे तो आप ये ऑपरेशन लगा सकते हो, ये बहुत 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 ज्यादा काम आएगा आपको, पूरा दो साल, पूरे दो साल काम आएगा आपको ये। देखो यूजिंग दी अबव टिप, ऊपर वाली जो टिप है ना इसको यूज करते हैं अपन। बच्चों आप लोग मेरी हेल्प करना है ना, ट्राई टू पार्टिसिपेट। देखो यहां पर मैंने आपके सामने मान लीजिए ऐसा कुछ लिख दिया, लेट से मैं आपके सामने लिख देता हूं वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले देखो ऊपर क्या है कॉस टू थीटा, तो अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, दो फॉर्मूले होते हैं, तीन होते वैसे तो, लेकिन वन वाले दो होते, एक होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा यूज करना चाहिए बताइए,
इसमें मेरे को ये वाला यूज करना चाहिए, अभी अभी तो बताया मैंने ये सेम सेम वही चीज, 1 - 2 sin² थीटा, तो 1 माइनस, यहाँ पे cos 2 थीटा की जगह क्या डालेंगे अपन, cos 2 थीटा की जगह डालेंगे 1 - 2 sin² थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा। अच्छा sin 2 थीटा जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूला उसका जो है 2 sin थीटा cos थीटा। देखो ये 1 और ये 1 जब ब्रैकेट खुलेगा तो कैंसिल हो जाएगा, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस हो जाएंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। देख रहे हो 2 से 2 उड़ा दो, एक साइन थीटा एक साइन थीटा यहां से कैंसिल हो जाएगा, फाइनली अपने पास बचेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा विच बिकम्स टैन थीटा। ठीक है, मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, डू नॉट रिमेम्बर दिस फॉर्मूले, ये जो बता रहा हूँ ये याद मत रखना, ये एक काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ये हम छोटी सी मिनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको ये देता हूं, मान लीजिए 1 + cos 2 थीटा, देखो 1 के साथ लव स्टोरी है, 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, उन दोनों में अपने को फॉर्मूले अलग अलग यूज करने। ठीक है, अब नीचे साइन 2 थीटा, बताइए इसका क्या वैल्यू आएगा, एनी वन ट्राई करो, टेक 1 मिनट और सो, और मेरे को बताइए कि क्या आएगा इसका वैल्यू। Anyone who would like to help me? आप लोग बोल के भी बता सकते हो, ठीक है, आप लोग बोल के बताना ज्यादा प्रेफर करो, तभी अपन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म में पढ़ाई कर रहे हैं। cot theta is correct. देखो क्या हो जाएगा, ये जो cos 2 theta इसको लिख देंगे 2 cos² थीटा - 1। बच्चों आगे देखो प्लीज, ये जो प्लस वन था ना इसको कैंसिल करने के लिए माइनस वन की जरूरत थी, इस कारण मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है। ठीक है, अदरवाइज मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता, यार जिससे भी वन कैंसिल हो जाए ना वो वाला फॉर्मूला यूज करो, विथ टाइम यू विल गेट वेरी गुड एट इट। तो यह जाएगा 2 sin θ cos θ, और ये 1 से 1 उड़ा दो, ऊपर बचेगा 2 times cos² θ, नीचे रह जाएगा 2 sin θ cos θ, ये cos थीटा और ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बाय sin थीटा हो जाएगा cot थीटा। ओके okay. एक और देता हूं मैं आपको, अरे यार ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट। ओके एक और लिखो, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा। ठीक है, देखो वन माइनस कॉस टू थीटा अपन ने अभी अभी सीखा था क्या होता है, ऊपर देखो इधर ये 1 - cos 2θ होता था, ये 2 sin² θ, दिस वन 2 sin² θ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin² θ, और 1 + cos 2θ होता था 2 cos² θ, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या tan² θ। समझ में आ रहा है, अगले लिखो, अगला टॉपिक है डबल एंगल।
डबल एंगल फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ टैन. इन टर्म्स ऑफ टैन, टैन मतलब क्या होता है, टैंजेंट. ओके देखो क्या होता है ना, जो सेम फॉर्मूले. अरे यार ये क्या हो गया है, पीछे ही पड़ गया है. अरे तो जस्ट अ मिनट बच्चों, है ना, जस्ट अ मिनट. आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग. हाँ जी देखिए, ये जो सेम फॉर्मूले इसको अपन टैन के टर्म्स में लिखते हैं. सबसे पहला फॉर्मूला साइन टू थीटा, है ना. हमने अभी अभी सीखा था साइन टू थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, सीखा था पक्का. अच्छा तो ये सेम फॉर्मूले को अपन टैन के टर्म्स में सीखेंगे. तो साइन टू थीटा को अभी तक अपन क्या लिखते आ रहे थे, टू साइन थीटा कॉस थीटा. अब आप इसको टैन के टर्म्स में भी लिख सकते हो. टैन के टर्म्स में लिखने का मतलब ये होता है कि साइन टू थीटा कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. ठीक है. Similarly, cos 2 theta को आप क्या लिख सकते हो. ये सब फॉर्मूले है आपको याद करने पड़ेंगे. cos 2 theta का फॉर्मूला tan के टर्म्स में ये होता है 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. ठीक है. तो क्या आप मेरे को tan 2 थीटा का फॉर्मूला बता सकते हो. tan 2 थीटा मतलब क्या, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा. दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना. अरे न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा ना डिवाइड करने पे. यहां तक लिख लो पहले. तो अभी तक अपन ने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, टोटल अपन ने 6 फॉर्मूले पढ़े. मैं बताता हूँ कौन कौन से. पहला पढ़ा है साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. दूसरा पढ़ा है कॉस टू थीटा के 3 फॉर्मूले, 1, 2 और 3. कितने हो गए टोटल, 2 ही हुए वैसे तो फॉर्मूले. एंड उसके बाद हम लोगों ने ये 3 फॉर्मूले पढ़े डबल एंगल वाले. ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 2 और 3, 5 फॉर्मूले. 5 फॉर्मूले अपन ने अभी तक पढ़े. ये बीच में जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस है. ठीक है, दिस इज नथिंग बट लिटिल प्रैक्टिस. तो यहां पे लिख लेना, जस्ट अ मिनट. देखो लिटिल प्रैक्टिस. ओके, तो हम लोगों ने ये वाले जो फॉर्मूले पढ़े थे ना, ये वाले इनको मैं यहां पर लिख देता हूं जस्ट फॉर रेफरेंस. लिखो और
साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये बस रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं मैं, यहां पे भी लिख दो, और कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, या फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर लिख दो आप, इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ये तो टैन टू थीटा का यही फॉर्मूला, तो ये पांचों की पांचों फॉर्मूले एक जगह पर ही आ गए। ओके, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस। पहले अपन कुछ इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कॉस ए अगर आपको हाफ गिवन है तो आपको फाइंड करना है कॉस टू ए। ठीक है, कर पाओगे पक्का? क्या बात कर रहे हो, चलो करो कोशिश। क्या आपको कॉस टू ए का फॉर्मूला याद है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो cos 2a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस वन, है ना? यहाँ पे पुट कर दो 2 टाइम्स cos स्क्वायर a, मतलब cos a का वैल्यू हाफ है ना यहाँ पे। अरे बेटे यहाँ पे अपने को 2a चाहिए और गिवन है a, थोड़ा ध्यान से देखो, है ना? तो 2 cos स्क्वायर a माइनस वन, ये आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स 1 बाय 4 माइनस वन, तो आ जाएगा हाफ माइनस वन, दैट इज माइनस हाफ। ओके, कोमल इज सेइंग कि उसने ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस में 45 वाला भी डाल के देखा। अरे जरूरी नहीं है आपको 45 डालना, वो तो मैंने बोल दिया था डाल दो, लेकिन 45 से कैलकुलेशन आसान नहीं होगी, थोड़ी मुश्किल ही हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे 45 डालोगे ना, 45 प्लस अल्फा को खोलना पड़ेगा, फिर खोलोगे तो दिख नहीं रहा आपको, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कहाँ गया यार, हाँ यहाँ पे 45 डालोगे तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। आंसर आएगा आपका, बिल्कुल आएगा, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आंसर आपका सेम आएगा। सेम आने का मतलब ये होता है कि आप चाहे 90 डिग्री डाल दो, चाहे 0 डिग्री डाल दो, 90 डिग्री डाल दो, या 45 डिग्री डाल दो, सब में आंसर जो है वो साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है, और सब में आंसर अगर साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है तो मतलब थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, कोई भी थीटा डाल दो आंसर तो साइन स्क्वायर अल्फा ही आ रहा है। ठीक है, तो आंसर सेम आ रहा है आपका, आप ऐसा बोल रहे हो मुझे, तो आंसर सेम आना चाहिए, आंसर डिफरेंट नहीं आना चाहिए। साइन ए अगर आपको 3/5 गिवन है तो फाइंड साइन टू ए। करना चाहोगे ट्राई? करो, ट्राई करो।
किसी का आंसर आया? एनीवन? नो वन? देखो साई ने दिया 3/5, एक साइन की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ना कॉस की दो दो वैल्यू आती है, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। तो आप है ना 1 - sin² ए करोगे अगर, तो आपको कॉस स्क्वायर ए मिलेगा, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा 1 - sin² ए, 3/5 आ जाएगा 9/25, मतलब 16/25। तो कॉस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16/25 का अंडर रूट, और यहाँ पे मॉड आएगा, मॉड में पहले ही हटा देता हूँ, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, तो 16/25 का अंडर रूट आ जाएगा 4/5, और प्लस माइनस आएगा अलग से। तो एक साइन की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ना कॉस की दो दो वैल्यू आती है, समझ में आ रहा है? एक साइन की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कॉस की दो दो वैल्यूज आती है। अच्छा, तो आपको साइन 2a निकालना था, निकाल लेंगे, वाई नॉट। तो ये लो साइन 2a का वैल्यू, साइन 2a का वैल्यू हो जाएगा 2 sin a cos a, ठीक है? अच्छा, 2 times साइन a का वैल्यू क्या है? 3/5 क्वेश्चन में ही गिवन था। cos a का वैल्यू क्या है? 4/5 प्लस माइनस का, तो 4/5 प्लस माइनस का करके देख लेते, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, तो ये आ जाएगा 24 और नीचे आ जाएगा 25, या तो प्लस का या तो माइनस का। देखो ना बेटा, यहाँ पे प्लस है एक बार, तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला सिंबल आएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला सिंबल आएगा। तो आंसर आपके क्या क्या आएंगे? प्लस माइनस 24/25। दो दो आंसर आएंगे। अच्छा, थोड़ी और प्रैक्टिस करते, ये छोटी छोटी प्रैक्टिस जो है बहुत काम आएगी बाद में। tan a गिवन है आपको 1/3, फाइंड tan 2a। कर पाओगे? चलो कोशिश करो, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, हर बच्चा ट्राई करेगा, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगाना। देखो tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, आज ही मैंने लिखवाया था आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले, 2 tan a / 1 - tan² a। आप पेजेस पलट के देख लो ना, अभी अभी तो लिखा था अपन ने, तो अपने पास tan a का वैल्यू है 1/3, तो 2 × 1/3 / 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, तो tan 2a का वैल्यू आ जाएगा 2/3 / 1 - 1/9, कितना आ जाएगा? 8/9। ओके, सो 2/3 × 9/8, 2 × 4 = 8, 3/4 आ जाएगा आंसर। cos a is equal to 4/5, find tan a by 2। ओके, cos a
अच्छा एक काम करो, यहाँ पे cos 2a लिख दो और यहाँ पे है ना tan a लिख दो, प्लीज यहाँ पे आप है ना tan a लिख देना, छोटा सा एक चेंज कर दो, ठीक है। अभी सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो बच्चों। अच्छा cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहली बात तो आपको अगर tan a निकालना है तो tan ऑफ a कैसे निकालेंगे बताइए। अभी अभी मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको ये दिया था जब, तो हम tan a को ऐसा लिख सकते ना, 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। सोचो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगेगा लेकिन आंसर जल्दी आएगा, समझ में आ रहा है? तो विद प्रैक्टिस आप इसको अच्छे से मास्टर कर सकते हो कि tan a को आप लिख सकते हो 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a, और आपको cos 2a गिवन है। तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट अ मिनट, 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a, इसको क्या लिख सकते हो, tan a लिख सकते हो, ठीक है। हमने इसकी प्रैक्टिस करी ऊपर, वी हैव प्रैक्टिस्ड अबव। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप इसको याद रखो, लेकिन इतना तो याद रख सकते हो ना कि ऊपर वाला sin थीटा होता है, नीचे वाला cos थीटा होता है। ओके तो ये अपन ने यहाँ पे लिख के रखा था इसी का, अरे यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा आएगा, आई एम सॉरी एक्चुअली ये tan स्क्वायर थीटा है, आपको tan स्क्वायर थीटा ही निकालना है ना। एक्चुअली क्या होगा ना, ये वाला ज्यादा यूज करना बेहतर रहेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, समझ में आ रहा है? थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा लेकिन आंसर आएगा, जस्ट अ मिनट। 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, सोच कर देखो, एक मिनट यार, ऊपर क्या आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा ना, ठीक है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आपको cos 2a पता है, अगर आपको cos 2a पता है 4/5, तो साइन 2a का वैल्यू क्या आएगा, साइन 2a का वैल्यू आएगा 3/5। लेकिन अब देखो इतना तो आपको याद हो जाना चाहिए ना कि 4/5 के करस्पॉन्डिंग जो साइन कॉस आता है वो 3/5 आता है, लेकिन अगर एक कॉस पॉजिटिव है ना तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइन की दो दो वैल्यूज आती है, प्लस माइनस। अब मेरे को याद हो गया कि दो दो वैल्यूज आती है, इसलिए मैंने डायरेक्टली प्लस माइनस लिख दिया। इसको अपन यहां पुट कर देते हैं, तो यहां पुट कर देते 1 माइनस cos 2a, cos 2a की जगह आप क्या रखते हो 4/5 अपॉन sin 2a, sin 2a की जगह क्या रखते हो प्लस माइनस 3/5। तो 1 माइनस 4/5 कितना हो जाएगा, 1/5, और नीचे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3/5, ये 5 और 5 कट जाएगा, तो आ जाएगा आपके सामने आंसर प्लस माइनस 1/3। दो आंसर आएंगे ना tan के, चलिए थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं, लेवल बढ़ाते हैं अपन, 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा,
इसको आपको tan थीटा के बराबर प्रूव करना है, प्रूव दैट. ओके ओके, आज से अपन SL लोनी जो है प्रॉपरली सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, है ना. चलिए इसको कोशिश करो. देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने ये सिखाया था कि 1 की और cos 2 थीटा की ओके लेक्चर आपका डिस्कनेक्ट हुआ होगा शायद. एक बार कोई भी बच्चा मुझे कंफर्म करके बता दो, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल. Anyone, just confirm, फटाफट कंफर्म कर दो, मेरी आवाज आ रही है. ओके 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 ग्रेट, ठीक है. देखो बेटे क्या लिखा है, 1 और cos 2 थीटा, ये दिखा आपको. तो जब भी आपको 1 और cos 2 थीटा दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एंड cos 2 थीटा हैव अ लव स्टोरी, मतलब उन दोनों को साथ साथ में रहना पसंद है. ये आपको मैं बता चुका हूँ, राइट. तो आप क्या करो, 1 को और cos 2 थीटा को साथ साथ लिख दो. तो 1 माइनस cos 2 थीटा मैंने ये लिख दिया, प्लस sin 2 थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा, ठीक है. अच्छा अब देखो ये 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, अगर आपको याद नहीं है तो बार बार आप फॉर्मूला वो वाला लगाओ जिसमें 1 कैंसिल हो जाए. अभी 1 कैंसिल करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना ज्यादा सही है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. साइन 2 थीटा जो है इसको एज इट इज लिख दो अभी. चलो साइन 2 थीटा को भी खोल दो, 2 साइन थीटा cos थीटा. नीचे आ जाओ, यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं cos 2 थीटा का बताइए, 1 प्लस कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है. और ये जो साइन 2 थीटा है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा cos थीटा. तो ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस. टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा. अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है. अच्छा यहां से आप 2 साइन थीटा कॉमन ले सकते हो और यहां से भी 2 साइन थीटा कॉमन ले सकते हो, तो ले लो. कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा. और नीचे भी क्या कॉमन आ जाएगा, 2 cos थीटा और 2 cos थीटा. तो इधर आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, दिख रहा है ना, यहां से एक cos थीटा बच जाएगा, यहां पे साइन थीटा, क्योंकि अपन ने 2 भी कॉमन ले लिया और cos थीटा भी कॉमन ले लिया. ये 2 और 2 कट जाएगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा, दिख रहा है आपको, ये साइन थीटा प्लस cos थीटा और साइन थीटा प्लस cos थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, tan थीटा. तो ये जो लव स्टोरी है ना इसका ध्यान रखो थोड़ा, जिसने लव स्टोरी का ध्यान रख लिया उसका समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है. अच्छा लिखिए, एफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 8, प्रूव दैट.
2 cos theta is equal to under root of 2 plus under root of 2 plus 2 cos 4 theta. अच्छा आपको दिया हुआ है पहली बात तो कि थीटा जो है इट बिलोंग्स टू जीरो सो जीरो टू पाई बाय एट. अभी देखो पाई बाय एट है ना बहुत छोटा एंगल है. पाई बाय एट इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल एंगल. पाई बाय फोर का भी आधा है. मतलब पाई बाय फोर क्या होता है 45 डिग्री. 45 डिग्री का भी आधा है. अच्छा आपकी क्लास कब से चालू हुई थी? 2:45 से 3:45 एंड देन 4:15 तक अपन पढ़ेंगे ना. ठीक है कंफर्म कर देना एक बार मुझे आपकी कोई नेक्स्ट क्लास अगर हो तो. ठीक है और जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ. ठीक है तो आप आराम आराम से समझ लो इसको लेकिन बिना रिकवर किए आप अगली क्लास में मत आना दिक्कत हो जाएगी आपके लिए. ओके तो देखो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल इतना तो समझ में आ गया अपने को क्योंकि थीटा 45 से भी हाफ है तो अपने को इतना तो समझ में आ रहा है कि कॉस थीटा इज डेफिनेटली पॉजिटिव है ना. देखो यार स्टूडेंट्स होता क्या है ना मैं आपको बताता हूँ. अभी जो LHS में क्वांटिटी लिखी है वो क्या है 2 cos थीटा. रुको यार एक मिनट है ना. LHS में जो क्वांटिटी वो 2 cos थीटा है ये पॉजिटिव है और RHS में क्या अंडर रूट ऑफ ए नंबर. मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूं कि अंडर रूट ऑफ ए नंबर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. किसी भी नंबर का अंडर रूट जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो ये भी क्या है ये भी पॉजिटिव है ना. अगर LHS और RHS दोनों पॉजिटिव हैं तो आप ना दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर सकते हो अदरवाइज नहीं कर सकते हो. अगर आपको कंफर्म पता है कि दोनों तरफ पॉजिटिव है तो आप स्क्वेयरिंग कर सकते हो अदरवाइज स्क्वेयरिंग नहीं कर सकते हो. तो हम लोग क्या करेंगे स्क्वेयरिंग कर सकते हैं ना तो वी कैन स्क्वेयर बोथ साइड्स. दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे अगर तो 2 cos थीटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये पूरे अंडर रूट का स्क्वायर क्या आ जाएगा इसके अंदर जो भी आइटम है वो मतलब 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स cos 4 थीटा. ठीक है ये जो 2 है इसको इस तरफ ले आओ. अब देखो यार कई बार क्या होता है ना LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना होता है हमको तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोग या तो LHS को पूरा सॉल्व करें या तो RHS को पूरा सॉल्व करें बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी. आप LHS RHS में कुछ ऑपरेशंस लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है. तो 4 cos square theta minus 2 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स cos 4 थीटा ऐसा लिख दिया मैंने. यहाँ पे है ना 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 2 cos square theta माइनस 1 और यहाँ अंडर रूट रहने दो 2 प्लस 2 टाइम्स cos 4 थीटा. ठीक है
अच्छा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये क्या होता है? ये तो कॉस टू थीटा होता है, दिस इज कॉस टू थीटा, ठीक है, और यहाँ पे लिखा टू प्लस टू कॉस फोर थीटा, ठीक है। अच्छा ये वाला टू जो है इसको फिर से इस तरफ भेज दो, तो टू टाइम्स कॉस टू थीटा। अच्छा मैंने स्क्वेयरिंग नहीं करा ना अभी, रुको एक मिनट, रुको 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 जरा, पहले स्क्वेयरिंग तो करने दो, लेट मी जस्ट इरेज इट। अब मैं स्क्वेयरिंग फिर से कर रहा हूं, है ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर टाइम्स कॉस स्क्वायर टू थीटा इज इक्वल टू टू प्लस टू टाइम्स कॉस फोर थीटा, है ना। ये टू को इस तरफ ले आओ आप, तो फोर इंटू कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस टू, ये हो जाएगा टू टाइम्स कॉस फोर थीटा। यहाँ से टू कॉमन ले लो, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा, और आर एच एस तो ऐसे का ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है कॉस टू थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ टू थीटा। वन सेकेंड, यहाँ ऑलरेडी टू थीटा था, मैंने यहाँ पे टू लिखना भूल गया, तो यहाँ पे टू का डबल हो जाएगा, ठीक है, तो टू का डबल क्या होता है फोर, यहाँ पे फोर लिख देना। अरे देखो ना लिखा क्या है, टू कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस वन, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता क्या है, ये होता है कॉस ऑफ टू थीटा, मतलब यहाँ पर जो एंगल होता है उसका डबल, तो इसका भी डबल क्या हो जाएगा फोर थीटा। टू कॉस फोर थीटा इज इक्वल टू टू कॉस फोर थीटा, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया, बस हेंस प्रूफ। ओके चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, क्योंकि अगली क्लास का टाइम हो गया है ना। ओके आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक आप लोग एक बार अच्छे से समझ लो, रिवाइज कर लो, जिन बच्चों का मिस हुआ है वो पूरा आई होप रिवाइज कर लेंगे। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, थैंक यू।